वन वेलकम बैक टू द चैनल द मोमिश तो आज है मंडे और बस अब एक हफ्ता बचा है हमको इस घर में नए कमिंग जो संडे होगा उसमें हम जो शिफ्ट हो चुके होंगे तो यार दो दिन से ही हमारी बस ये प्रिपरेशन ही चल रही है शिफ्टिंग वगैरह की तो अभी सुरेश चले गए हैं ऑफिस आज वो मॉर्निंग चले गए थे एट ओ क्लाक वो निकल गए थे और अथर भी स्कूल चला गया है और आज बहुत दिनों बाद मैं अर्थु को लेकर जाऊंगी अपने साथ क्योंकि अर्थू ना एक्चुअली क्योंकि लास्ट टू वीक्स से ना सुरेश थोड़ा लेट जा रहे थे ऑफिस ना काफ़ी टाइम बाद आज वो मैं उसको लेकर जाऊंगी तो अभी बस मैं ब्रेकफास्ट उसको दे रखा है मैंने अर्थु को और थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह मैं दे दूंगी उसको फ्रूट टाइम अर्थू का फेवरेट टाइम होता है उसको वैसे सारे ही फ्रूट्स पसंद है बट गुआवाबा उसमें से एक है उसको काफी ज्यादा पसंद है गुआवा भी तो इस टाइम पे मैंने अपने लिए बनाए थे सिंपल से ओट्स जो मैंने रात को भिगो दिए थे आजकल जनरली ना मैं मॉर्निंग में इतना ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ ओट्स ही मैं खा लेती हूँ बिल्कुल पैकिंग वाला रूम ही बना दिया है इसमें जो ये एक कार्टन है इसमें ये मेरा सामान है मेरा मतलब कि जो थोड़ा बहुत जो मेकअप का या फिर कुछ वैसा सामान है उसमें मैं ये सब रख रही हूँ अपने पर्सेंस वगैरह और यहाँ पर ये जो सामान है यहाँ पर ये पूरा अथर्व का सामान है पूरा उसके क्रेउ्स वगैरह सब कुछ है हाँ बेटा क्या हुआ क्या कर और जो दो बॉक्सेस है ना इसमें कुछ तो ये बच्चों के टॉयज हैं कुछ तो हमने खोले ही नहीं है इस बार जो बर्थडे में मिले थे ना वो तो हमने खोले ही नहीं थे और नीचे भी काफी सारे बॉक्सेस टाइप के ही रखे हुए हैं कुछ एजुकेशनल टॉयज हैं फर्स्ट फ्राई के किट्स वगैरह हैं वो सब इसमें हैं इन दोनों में मतलब यही रखा हुआ है बॉक्सेस वगैरह जो बच्चों के लिए हैं स्पेसिफिक तो अभी जो अल्मीराज में ना मैंने ये वाले जो पूरे सेट है ना ये नीचे के जो ब्लॉक्स हैं ये जो ड्रॉर्स वगैरह हैं ये सब मैंने खाली कर दिया है और यहाँ तो भी ऑलमोस्ट नीचे का थोड़ा बहुत खाली कराया है बट अभी जो बचा हुआ है वो बच्चों के क्लोथ्स मेकअप का जो ये मेरा डेली का जो थोड़ा बहुत सामान है ये मैं बिल्कुल लास्ट में रखूँगी तो हम लोग आ गए स्कूल से और मैंने इतना ट्राई किया ना कि अर्थ नहीं सोए अभी आ, क्योंकि ना मैंने उसकी मूंग दाल की खिचड़ी बना ही दी थी मुझे लगा था मैं उसको खिला के उसके बाद सुलाऊंगी बट ना हर टाइम ऐसा हो नहीं पाता है वो इतनी ज़्यादा नींद में हो गया कि उसने नहीं कुछ खाया वो डायरेक्टली सो गया अब ना अभी वो ट्वेल्व थर्टी पर सोया है तो प्रॉब्लम पता क्या होती है कि ना जो लंच का टाइम होता है ना एक्चुअली वो बहुत लेट हो जाता है अर्थ का ना तो ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि वो एक बजे तक खा ले बट जब उसको इतनी ज़्यादा नींद में वो हो जाता ना तब वो नहीं उठता है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है उसे उठा के खिचड़ी मैंने ऑलमोस्ट बना ही दी थी बट वो सो हो गया तो बस वही है अब उसका जो लंच होगा वो थ्री थ्री थर्टी पर होगा तो काफ़ी लेट हो जाता है ना तो चलिए यार फिर मैंने अभी बस अपने लिए ग्रीन टी बनाई है और अथ तो अभी थोड़ा बहुत फ्रूट्स खा रहा है क्योंकि ना आज क्या हुआ कि हथ के स्कूल में भी ना आज सैंडविच एक्टिविटी डे था मतलब स्कूल में ही सैंडविच वगैरह बनाई तो सारा सामान वो घर से ले गया था चीज़ वगैरह ये सब चीज़ें ना तो चीज़ ना जनरली वो खाता नहीं है घर पर बट स्कूल में अब दिया तो वहाँ पर सब बच्चों के साथ तो खा ही लिया ना थोड़ा सा हैवी आज तो उसको हो गया है तो उसका नहीं मन अभी खाना खाने का मुझे लगा ठीक है तब तो फ्रूट्स वगैरह ही खा लेते हैं उसके बाद में थोड़ा लेट हम लोग आज फिर लंच करेंगे तो अभी ना मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था क्योंकि अर्थू भी इस टाइम पर सो रहा था तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा बहुत पैकिंग का ही काम कर लेती हूँ तो ये कार्टनस थे जो हमने पैकर्स एंड मूवर से पहले ही कुछ कार्टन मतलब लेकर रख लिए थे वैसे तो ना ये सब जो काम होता है ना पैकिंग वगैरह का ये सब वो खुद ही करते हैं बट क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें ऐसी थी घर में जो मुझे लगा था कि मैं खुद से ही रखूँ क्योंकि ना वो कैसे पैक करते हैं मुझे ना थोड़ा सा डाउट रहता है तो मुझे ना पहले चीज़ें क्लीन करनी थी उसके बाद रखना था प्रॉपर तरीके से तो इस वजह से ना हमने कार्टन पहले ही मंगवा लिए थे कुछ बच्चों के टॉयज़ थे जो ऑलरेडी मैंने वॉश कर दिए हैं मतलब दो तीन दिन से ना हमारी वॉशिंग मशीन भी डेली लग रही है जैसे कि जो वैसे जो टॉयज़ वग़ैरह हैं सॉफ़्ट टॉयज़ वगैरह हैं वो भी मैंने सब वॉश कर दिए तो आज मुझे लगा था कि मैं किचन का जो स्पेसिफिकली कुछ सामान है वो मैं इस कार्टन में रख दूँगी तो बस अर्थू भी अथर भी मेरे साथ लग गया था इस टाइम पर ना अर्थू सो रहा था तो काफ़ी जो काम होता है ना हो जाता है वरना उसके साथ, उसके सामने ये सब काम न, तो थोड़ी सी तो कार्टन हमने एक एक करके ही ऐसे नहीं करा कि सारे एक साथ बना दिए तो एक, एक करके कार्टन बनाए थे तो अभी इस मैंने एक ही था, क्योंकि मुझे किचन के लिए चाहिए था तो किचन में ना मेरे जो ऊपर की जो स्लैब है ना उसमें काफी ज्यादा चीजें रखी हुई है जैसे टोस्टर है सैंडविच मेकर है जो मैं डेली नहीं यूज करती हूँ और किचन ना मेरी कोई इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है इस वजह से सामान ना मेरा ऊपर ही रहता है और ये भी एक रीजन है कि ये चीजें मैं डेली यूज नहीं कर पाती हूं तो ऊपर जब रखते हैं ना तो काफ़ी ऑयली ऑयली स्टिक्की वगैरह सब कुछ हो रखा था तो मुझे लगा कि मैं सब कुछ अच्छे से वॉश कर देती हूँ उसकी जो पॉलिथीन वगैरह है वो भी मैं चेंज कर दूंगी मेरी क्या प्लानिंग है कि जो भी सामान है ना यहाँ पर चाहे वो यूटेंसिल्स वगैरह है मैं सोच रही हूँ कि सब ना क्लीन करके ना, मैं पैक करूँ जिससे कि ना वहाँ पर मुझे ना क्लीन, ना, क्लीन नहीं करना पड़े क्योंकि ना मेन प्रॉब्लम एक्चुअली ये होती है अगर मैं उठा के ऐसे डायरेक्टली अगर पैक कर दूंगी ना तो वहाँ जब मैं खोलूंगी ना तो मुझे वहाँ पर मुझे क्लीन करना पड़ेगा तो बात वही है यहाँ पर कर लेती हूँ यहाँ पर क्योंकि पानी जो है वो चौबीस घंटे आता है तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी है ये सब करना वहाँ पर क्या है कि पानी का थोड़ा सा इशू है मॉर्निंग में और नाइट में ही आता है तो थोड़ा सा ना दिक्कत होगी क्लीनिंग में इसी वजह से हम लोगों ने एक्चुअली कर्टेंस वगैरह भी लास्ट वीक ही सब वॉश कर दिए थे क्योंकि तो ना फिर डायरेक्टली यहाँ से कर्टेन निकाल के वहाँ पर सिर्फ लगाने का ही काम होगा तो वो सही रहता है और थोड़ा सा मुझे लगता है कि रिलीफ भी हो जाए काम में तो अभी ना मैं सोच रही रूँ कि आज किचन का थोड़ा बहुत जो सामान है वो मैं रख देती हूँ और कुछ सामान मुझे लग रहा है कि क्लीन करने की ज़रूरत है जैसे कि टोस्टर वगैरह जो मैं ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ ना तो वो मैं सोच कि अच्छे से क्लीन करके उसके बाद मैं रखूँ जिससे कि ना वहाँ पर ईजिली मैं मतलब डायरेक्टली बस सेटअप कर लूँ किचन को ना ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी पहले वॉश कर रहे हैं उसके बाद रख रहे हैं ना तो ये सब ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब भी आप शिफ्ट करें ना तो मुझे लगता है सबसे पहले आप जो भी चीज़ें आपके घर में ना वो क्लीन कर दें और उसके बाद आप रखना शुरू करें तो आपका काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा तो ये वाला सैंडविच मेकर भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ये ऊपर ही रखा रहता है और मॉर्निंग में सही बताऊँ तो इतना टाइम मुझे नहीं रहता है कि ऊपर से मैं चीज़ें निकालूँ और उसके बाद मैं करना शुरू करूँ क्योंकि मेरी किचन में ना एक ही स्लैब है और उसी स्लैब में गैस वगैरह भी है तो इतना स्पेस भी नहीं होता कि साथ ही साथ आप रोटी भी बना रहे हैं और ये सब काम भी आप करें ना इतनी मतलब जगह नहीं हो पाती है सब लगाने के लिए ना तो बस वही है और अगर जब भी आप ऐसा कुछ क्लीन कर रहे हैं ना तो डायरेक्टली यार पानी में नहीं लें कुछ तो कोई भी कपड़ा गीला करके आप आ, सिंपल से आप वैसे करके क्लीन करें बट डायरेक्टली पानी के नीचे इन सब चीज़ों को क्लीन नहीं करें अदरवाइज़ ये ख़राब भी हो सकते हैं तो अभी मैंने सैंडविच मेकर किया था और उसके बाद फिर मैंने टोस्टर भी क्लीन कर दिया था घर छोड़ना ना बिल्कुल भी आसान नहीं है यार इनफैक्ट हम लोग रेंटेड फ्लैट में रहते हैं बट फिर भी इतना मतलब इतना इमोशनल हो जाती हूँ ना मैं जब भी, भी ऐसे पैकिंग वगैरह हम लोग करते हैं ना और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि दोनों बच्चों की जो मेमोरीज है वो इस फ्लैट से बहुत ही ज़्यादा है तो वो ज्यादा इवनिंग का टाइम हो गया था और मुझे लगा कि मैं बच्चों के लिए फ्रूट्स कट कर देती हूँ तो आजकल ना नाशपत्ती आई हुई है मुझे लगा था कि बच्चों को इतना पसंद नहीं आएगी नाशपत्ती क्योंकि ना बच्चों को प्योर खाने की ज्यादा हैबिट है और नाशपत्ती इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं बट काफी टेस्टी हो रही थी बहुत ही मीठी थी बस इसका जो मैंने कवर जो छिलक था ना वो निकाल दिया था क्योंकि ना वो बच्चों के मुँह में आता है इस वजह से अभी ना फाइव थर्टी हो रहे हैं और मैंने ना बच्चों को फ्रूट्स दिए हैं और मैं अपने लिए चाय बना के लाई हूँ क्योंकि ना आज मुझे बहुत टायर्डनेस हो रही है तो मुझे लगा थोड़ा मीठी चाय पी लेती हूँ और मॉर्निंग में भी नहीं पीती इस वजह से तो बस फिर और मैंने अभी दाल रखी हुई है बॉयल करना आज मैं खाना थोड़ा जल्दी बनाऊँगी <coughs> इवनिंग स्नैक मैंने उनको ज़्यादा नहीं दिया आज क्योंकि ना अथर्ड दिन में नहीं सोता तो रात को ना फिर जल्दी सो जाता है तो इसे बेटर है कि इवनिंग स्नैक थोड़ा कम करके ना फिर डिनर जो है थोड़ा मैं जल्दी बना दूंगी तो रात को बस मैं दाल राइस और सब्ज़ी देखती हूँ अगर सब्जी भी कोई बना दूँगी थोड़ी सी कोई तो तो आज का जो खाना है वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट खाना है क्योंकि ना मुझे अरर और मलका की दाल बहुत ही ज्यादा पसंद है और उसके साथ अगर भिंडी की सब्जी हो जाए तो कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है तो इसमें ना दो पार्ट मतलब अरर की दाल के लेने होते हैं और एक पार्ट आप मलका की दाल का लें और इसको तड़का जो होता है उसमें अच्छे से आप मतलब लहसुन और अदरक प्याज ये सब ना बहुत अच्छी क्वांटिटी में आप डालें उससे ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है मतलब इसका जो तड़का होता है ना उसी से ही जो दाल का फ्लेवर होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है है तो जब भी आप अरन मलका की दाल बनाए ना तो उसमें जो अदरक है और लहसुन है वो बहुत अच्छे से डाले यहां पर मैंने टमाटो इतना यूज नहीं किया था हाफ ही मैंने टमाटो यूज किया था और नॉर्मल जो मसाले हैं बस वही सब मैं यहाँ पर एड कर रही हूं जैसे कि सोल्ट है रेड चिली पाउडर है गर्म मसाला हल्दी नॉर्मल चार मसाले ही मैंने यहां पे यूज करे हैं और जो दाल है वो मैंने उसके बाद एड कर दी थी अब साथ में मैंने भिंडी की सब्जी भी यहाँ पर कट कर दी थी तो सुरेश को ना ये वाला जो कॉम्बिनेशन है अच्छा नहीं लगता उनको भिंडी की सब्जी भी कोई खास पसंद नहीं है बट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और कभी कभी मैं अपनी पसंद का जो खाना होता है वो भी बना लेती हूँ तो बस वही और अरहर की दाल ना जब से बच्चे हुए हैं तब से थोड़ा ज़्यादा बनने लग गई है मैं सारी मिक्स दाल करके बनाती हूँ ना तो काफी बार बन जाती है अदरवाइज पहले इतना ज़्यादा नहीं बनती थी तो इस टाइम पर ना मैं और काम भी कर लेती हूँ कर्ड मैंने यहाँ पर जमा दी थी और जो एक्स्ट्रा मलाई वगैरह होती है उसका मैं घी बनाती हूँ क्योंकि घर में ही तो वो मलाई भी मैं यहाँ पर रख देती हूँ दस से पंद्रह दिन में मतलब मेरी इतनी मलाई जो है वो हो जाती है और उसके बाद फिर मैं घी बना देती हूँ तो आजकल ना कर्ड बच्चे बहुत ज्यादा खा रहे हैं जब से मैंने बच्चों का मिल्क बंद किया है ना तो तब से दिन में या फिर रात को भी कई बार बच्चे कर्ड खा लेते हैं बट मैं डायरेक्टली जो फ्रिज से निकाली हुई जो कर्ड होती है ना वो बच्चों को ऑफर नहीं करती हूँ तो यहाँ पर मैंने कर्ट भी रख दी थी बंद करके अच्छे से और साथ ही साथ मैंने भिंडी की सब्जी भी बना दी थी जो कि बहुत ही टेस्टी लग रही थी ये भिंडी की सब्ज़ी ना ऐसे ही बन जाती है चलाते चलाते वाली जो दाल है ना अरर और मलका की एक्चुअली ये ना मुझे बहुत अच्छी लगती है बट आज ना ये थोड़ा सा ज़्यादा गल गई है पर थोड़ा सा इसमें दाने दाने रहते हैं ना तो बहुत ही अच्छी लगती है तो मैंने दाल को इसमें करके ना उसी कढ़ाई में ही फिर मैंने सब्जी को छोंक दिया था और राइस भी मैंने वॉश करके रखती है कुकर में तो किचन का ना ऑलमोस्ट काम हो गया है लैब्स है ना मैंने ऊपर से काफी कुछ निकाल दिया इंडक्शन वगैरह भी मैंने क्लीन कर दिया इंडक्शन में जनरली मैं किचन में यूज नहीं करती ज्यादा ना क्योंकि जगह ही नहीं है किचन में ना इतना हमारी तो इंडक्शन वगैरह भी कम यूज होता है माइक्रोवेव भी बहुत कम यूज होता है तो इनफैक्ट ये माइक्रोवेव के जो ये थोड़े बहुत ये थे ये भी मैंने सब अभी वॉश करे हैं इनको भी मैं अच्छे से रख दूंगी अंदर तो मुझे डिस्पोजल के मिले हैं क्योंकि ना हर पार्टी में थोड़ा बहुत हम डिस्पोजल खरीदते हैं और थोड़ा बहुत जो बच जाता है ना वो ऐसे ही रह जाता है तो काफ़ी कुछ है तो वो सब भी मैं अभी थैले में रख दूंगी ना एक ही जो कार्टन है उसी में ही ये किचन का जो सामान है ना ऊपर की स्लैब का वो मैं सारा रख दूंगी जिससे कि ना वहाँ जाके थोड़ा सा इतना प्रॉब्लम नहीं हो मुझे सेटल डाउन करने में ना चीज़ें तो ये जो पैकिंग है ये तो चलती ही रहेगी मुझे लगता है डेली ही मैं थोड़ा थोड़ा करके पैक कर रही हूँ यहाँ पर अर्थू भी बस मेरी हेल्प करने लग गया था तो यार बस आज के व्लॉग में इतना ही था और आज ना सुरेश भी थोड़ा जल्दी आ गए थे तो रात का जो डिनर है वो हम सब ने साथ में ही कर लिया था तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मिलती हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में टिल दिन बाय एंड टेक केयर